Assalamu alaikum YouTube, और ये है अनबॉक्सिंग Seagate 1TB एक्सपेंशन पोर्टेबल ड्राइव की। छोटी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो ओनली स्पेशल थिंग अबाउट दिस वीडियो जो है ना, वो ये है कि जो मैंने अपना गैलेक्सी नोट 8 लिया था, ये उससे पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो लोग गेम्स खेलते हैं या फिर जो अपने डेटा को बैकअप करने के शौकीन हैं, तो मेमोरी आपके पास हार्ड ड्राइव कितनी बड़ी हो कि वो छोटी पड़ती रहती है। अब हमने PS4 हम लोग खेला था, 1TB के साथ पहले ही लगी हुई थी। अब उसके अंदर एक्सपेंशन हमने करनी थी, तो उसकी अब दोबारा हम 1TB की ले रहे हैं। तो ऑनलाइन मैं देखा, दिस वॉज वन ऑफ द सस्ती और अच्छी हार्ड ड्राइव थी ये। तो ये हार्ड ड्राइव है Seagate वालों की, 1TB एक्सपेंशन ड्राइव है। 2TB में भी है, 2.5TB में भी है, और 500GB में भी है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 6200-6300 के आसपास है ये ड्राइव 8TB की। और बड़ी स्लिम, बड़ी स्मार्ट ड्राइव है, और सारी USB 3.0 कंपेटेबल है, कंपेटेबल विद विंडोज 10, विद विंडोज 8, विंडोज 7, तीन आके विंडोज इस वक्त एक्टिव हैं, उन तीनों से कंपेटेबल है। 2.0 भी है, 3.0 भी है। इसके अलावा पीछे उन्होंने इसके मुख्तलिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ, एड ऑन स्टोरेज फॉर यू PC एंड एवरीथिंग, सारा उन्होंने यहाँ पर उसको आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 2015 की बनी हुई है Seagate, इनका कैप्रेंटिनो USA कैलिफोर्निया की है, मेन हेडक्वार्टर्स इनका नेदरलैंड्स में है Seagate वालों का। तो दीज ड्राइव्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छी ड्राइव्स हैं Seagate की, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। बाकी थोड़ा सा डिटेल नीचे लिखा हुआ है उन्होंने इसके बारे में, क्या क्या आपने उसको बार कोड पढ़ना हो तो आप देख लें नीचे। प्रोडक्ट ऑफ चाइना, बना असेंबल्ड इन चाइना ही है, 1400 TB वटेवर जो भी। तो एक चीज़ उसमें देखनी होती है, वो आपने सिर्फ उसको होता है कि जब आप ये लें तो ये सील्ड होनी चाहिए, और Seagate की सील होती है दोनों एंड्स पे। और मैं सील आपको दिखा रहा, तो यहाँ पे क्लियर नज़र आएगी, फोकस अगर हम क्लिक करके दिखाऊँ तो इस पे आप देख रहे हैं कि होलोग्राफिक सील है जिस पे Seagate लिखा हुआ है। फोकस हो जाए भाई, फोकस बड़ी देर से होता है, फोकस करके दिखा दूँ। ये देखें, इसके अंदर आपको Seagate उसके ऊपर लिखा नजर आ रहा है, दोनों साइड्स पे, नीचे भी और इसकी जो ऊपर है यहाँ पे भी ये सील लगी हुई है Seagate वाली। तो बाकी और कुछ नहीं है, साइड्स पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें कनेक्ट विद कंप्यूटर एंड एवरीथिंग, एक्सपेंशन ड्राइव, नथिंग एल्स। तो बस अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, नथिंग मोर टू टेल अस बाद में। सील या तो आप खोल भी सकते हैं सील को, या आप फाड़ भी सकते हैं, व्हाटएवर। मैं तो फाड़ के बना रहा हूँ, जैसे ओपनर अप और स्लिप आउट है इसका। ये ड्राइव है साथ, इसके अंदर ये इसकी बुकलेट है एक्सपेंशन ड्राइव की, क्विक स्टार्ट गाइड मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है, किस नाम लगाना है, 3.0 में लगाएं तो काम करेगी, जिस इंग्लिश FCC डिक्लेरेशन, सारी फजूल चीज़ें, जिस प्लग एंड प्ले है, कुछ कुछ की जरूरत नहीं है आपको। ये इसकी ओरिजिनल ड्राइव है जो प्लास्टिक के कवर में है, अंदर भी प्लास्टिक है, इसके अंदर इसको साइड पर रखते हैं। साथ इसके इसकी ये है USB 3.0 ब्लू रंग का, अंदर से ये इसकी डेटा केबल है जो उसको कनेक्ट करती है विद कंप्यूटर। और ये पतली सी ड्राइव है, Seagate लिखा हुआ है इसके ऊपर, चेकर्ड टाइप का वो है इसके पीछे से भी, Seagate एक्सपेंशन पोर्टेबल ड्राइव एवरीथिंग, सीरियल नंबर वगैरह चेक कर लीजिएगा जो यहाँ पे, और यहाँ पे एक होता क्या पता चला कि पैकिंग वाली सही है, मामला ठीक ही होती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो उसका मुँह है, जो केबल साथ आई है, उसका जो वाइडर एंड है दो मुँह वाला, ये आप इसमें लगाएंगे ऐसे करके, एंड अदर एंड को 3.0 पोर्ट इन योर कंप्यूटर या जो भी आपकी डिवाइस है, ये गेम है उसके साथ। तो खूबसूरत ड्राइव है, स्मार्ट, पतली,
वेरी एलिगेंट टाइप की ड्राइव है, डिसेंट लगती है। और यहाँ पे ये एलईडी लाइट है ब्लू कलर की, जब इसको रीड कर रहा होगा तो ये ब्लू रंग की हुई भी हो गई। तो दिस वॉज अनबॉक्सिंग ऑफ सीगेट एक्सपेंशन 1 TB ड्राइव। प्लीज़ वीडियोज़ को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने किसी की अनबॉक्सिंग करनी है। इस गोना बी मे बी द परफ्यूम जो लोग मांग रहे हैं कि शनेल होम, शनेल एलियोर होम स्पोर्ट्स एक्सट्रीम एडिशन की, क्या उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, या फिर वो जो एक जे डॉट वाला है परफ्यूम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जितने लोग आप वोट देते रहेंगे, अपने बताते रहें अपनी अपनी किसी की अनबॉक्सिंग देखनी है। आईफोन 10 की भी अनबॉक्सिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, आईफोन 10 मैं ख़रीद नहीं रहा, तो जो मैं ख़रीद नहीं रहा तो उसकी अनबॉक्सिंग नहीं होगी। अगर मैंने कभी ख़रीदा तो उसकी अनबॉक्सिंग कर दूंगा मैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।